देखिए इस वक्त मैं राजबरी आवास पर मौजूद हूँ। मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पर एक भोज का आयोजन है, दही चूरा भोज का। और इसके बारे में मैंने बताया था कि एक लालू यादव के द्वारा जब दही चूरा भोज दिया जाता है तो इसका एक बहुत बड़ा सियासी मायना होता है। अब ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँचे हैं और देखिए जरा विजुअल में किस प्रकार से नीतीश कुमार जो है वो पैदल मार्च करते हुए लालू यादव के जो घर है उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और उसके बाद अंदर का माहौल देखिए कि किस प्रकार से जो है कार्यकर्ता जो हैं वो और जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो सभी लोग अंदर भोज का मजा ले रहे हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है नीतीश कुमार की मौजूदगी भी हो गई है। तेजस्वी यादव खुद आगे बढ़कर नीतीश कुमार को लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। और उसके बाद जो है वहाँ यहाँ का माहौल देखिए किस प्रकार से, मैंने कहा था कि एक सियासी मायना रखता है। तो यहाँ राजद के कई बड़े बड़े नेता जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे, विधानसभा के अध्यक्ष नज़र आ जाएंगे, उसके साथ साथ मृत्युंजय तिवारी जो हैं प्रवक्ता हैं राजद के वो नज़र आ जाएंगे। और उसके साथ ही जो राजद के प्रदेश सचिव है रणविजय साहू भी मौजूद हैं। जरा सुनिए रणविजय साहू यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। आज दही चूरा के अवसर पे आए हैं लालू जी के आवास पे, क्या कुछ है तैयारी चल रही है आज के लिए? देखिए आज एक खास तैयारी है, बिहार भर के पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर वरिष्ठ नेता और बिहार के तमाम राजनीतिक लोग यहाँ पहुँचेंगे। और दही चूड़ा के मौके पर आज तमाम कार्यकर्ता हम लोग संकल्प लेंगे कि इस बिहार से और देश से भाजपा को भगाना है और देश बचाना है, संविधान बचाना है। लालू जी का जो आयोजन होता है उसको एक कहा जाता है कि एक बड़ा सियासी आयोजन भी इसको लोग मानते हैं। नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इसके बाद? देखिए एक ही चीज़ देखने को मिलेगा कि इंडिया गठबंधन महागठबंधन जो अलायंस है पूरी एकजुटता के साथ पूरी ताकत के साथ इस बिहार और देश यह भूमि जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि है। लालू के नाम से बिहार जाना जाता है और बिहार में मुद्दे की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार बिहार में जो बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें लगता है देश इसका अनुसरण कर रहा है, कई राज्य इसका अनुपालन कर रहा है। तो सुना आपने इस रणविजय साहू को। और अब देखिए यहाँ पर जो माहौल है सियासी माहौल कह सकते हैं, दही चूरा भोज के नाम पर ठंड बहुत है, लेकिन इन सब के बीच जब नीतीश तेजस्वी और लालू का एक साथ जुटान होता है तो राजनीतिक तापमान है वो उछाल लेने लगता है और एक बार फिर से जो गर्मी है वो बढ़ने लग जाती है राजनीतिक गलियारों की। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। कैमरामैन पृथ्वी के साथ प्रशांत कुमार, पटना।